हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शेख हसीना ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, किंतु सेंट मार्टिन द्वीप के भू राजनीतिक महत्व को जानना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले समझते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप कहां स्थित है। दरअसल यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में एक छोटा सा द्वीप है जो कॉक्स बाजार टेकनाफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किमी दक्षिण में है। 3 वर्ग किलोमीटर में फैला यह बांग्लादेश का एकमात्र कोरल द्वीप है जो नारियल के पेड़ों की बहुतायत के कारण नारिकेल जंजीरा या नारियल द्वीप के रूप में जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों द्वारा शुरू में बसाया गया। यह द्वीप 1900 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, किंतु 1947 में विभाजन के बाद यह पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया। हालांकि 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद इसे बांग्लादेश में शामिल कर लिया गया। आइए अब समझते हैं कि क्या है सेंट मार्टिन का भू राजनीतिक महत्व। दरअसल 1971 में बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद से ही सेंट मार्टिन द्वीप देश की राजनीति पर हावी रहा। बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता और म्यांमार के साथ समुद्री सीमा के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और चीन इस द्वीप पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं। पिछले साल शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका चुनावों में BNP की जीत के बदले सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करके वहां सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा उनके इन आरोपों का खंडन कर दिया गया था। दरअसल ये दावे उन अस्पष्ट रिपोर्टों के बाद आए हैं जिनमें कहा गया था कि अमेरिका बांग्लादेश द्वारा चीन के साथ नजदीकी बढ़ाए जाने से नाखुश है तथा दक्षिण एशिया में बीजिंग के प्रभाव को कम करने के लिए जवाबी कदम उठाना चाहता है। क्योंकि सेंट मार्टिन एक ऐसी भूमि है जहां दुनिया के किसी भी हिस्से से समुद्र के रास्ते आसानी से पहुंचा जा सकता है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है और सामरिक दृष्टि से भी देखें तो कोई भी यहां से पूरे भूभाग का निरीक्षण कर सकता है। साथ ही गहरे समुद्र में स्थित होने के कारण यह द्वीप आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आज का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप के संबंध में असत्य है? ए, पूर्व में यह द्वीप टेकनाफ प्रायद्वीप का विस्तार था। बी, इस द्वीप को 18वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने पहली बार बसाया था। सी, 1974 ईस्वी में इस द्वीप को ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में शामिल किया गया। डी, वर्ष 1974 के बांग्लादेश म्यांमार समझौते के तहत यह द्वीप निर्विवाद बांग्लादेश का हिस्सा बना।